तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे स्टिकी नैपर प्योर सीएसएस को यूज करके। इसमें हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, सिर्फ सीएसएस का यूज करके हम लोग बनाएंगे। तो चलिए फिर बनाते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं उन लोगों को सबसे पहले स्टिकी नैप बार के बारे में बता दूं जिनको स्टिकी नैप बार के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। स्टिकी नैप बार क्या होता है कि जैसे ये एक नेविगेशन बार है, तो हम लोग अगर इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो किसी पोजीशन के बाद ये लॉक हो जाएगा। जैसे ये देखिए, ये फिक्स है या फिर ये इसको बोल सकते हैं ये लॉक है, तो ये स्टिकी नैप बार। मेरे पास यहाँ पर एक सिंपल सा HTML 5 का टेम्पलेट है फ्रेंड्स, और मेरे पास एक स्टाइल शीट है जिसको हमने अपने HTML फाइल पर लिंक किया हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा हेडर कंटेंट यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर H1 टैग यूज़ करेंगे जिसमें वेलकम, या फिर आप कुछ भी दे सकते हैं, और P टैग देते हैं लोअर, अरे यार P टैग देते हैं जिसमें लोअर में कंटेंट थोड़ा देते हैं। तो हेडर के लिए, और क्या करते हैं स्टाइल शीट में जाकर डिव एलिमेंट के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पर ज़्यादा क्लास वगैरह और ज़्यादा स्ट्रक्चर यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि मतलब सिर्फ हम लोग यहाँ पर स्टिक नैपर पर ही फोकस करेंगे। तो जो डिव एलिमेंट है जिसको हम लोगों ने हेडर के लिए यूज़ किया हुआ, उसका बैकग्राउंड कलर अभी के लिए मैं यहाँ पर रेड दे रहा हूँ, और इसका हम लोग कलर इसका देते हैं वाइट। और इसको थोड़ा रन करके देख लेते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। ये कलर नहीं आया, बैकग्राउंड कलर कुछ यहाँ पर शायद प्रॉब्लम है। स्टाइल शीट ठीक है, अच्छा HRF में यहाँ पर सिर्फ फाइल का नेम देना था, ये आ गया। अब क्या करते हैं हम लोग, और एक चीज़ यहाँ पर ऐड करेंगे बॉडी टैग में ना, हम लोग यहाँ पर मार्जिन को रिमूव कर देंगे। आप जैसे देख रहे हैं ये जो वाइट स्पेस आ रहा है बगल में, तो ये बाई डिफॉल्ट सेटिंग होता है ब्राउजर के। तो बॉडी यहाँ पर सिलेक्टेड देंगे और यहाँ पर मार्जिन 0 सेट कर देंगे। तो रिफ्रेश करके देखते हैं ये हो गया, और ये ऊपर में जो स्पेस आ रहा है ना, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि H1 टैग जो है मार्जिन लेता है। आप देखना यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर H1 टैग का मार्जिन 0 सेट कर दूंगा, तो ये जो है बिल्कुल हट जाएगा। ये देखो ये हट गया, तो उसकी वजह से ये होता है। और क्या करते हैं डिव एलिमेंट में थोड़ा सा पैडिंग देते हैं, टॉप बॉटम 30px और लेफ्ट राइट 0। रिफ्रेश करके देखते हैं ये हो गया। बस ये ऐसे हम लोग दे रहे हैं, लेफ्ट राइट 70px दे रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ स्टिक नैपर पे फोकस करना है, तो डिज़ाइन कैसा भी हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फ्रेंड्स, मुझे ये रेड कलर बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है, तो इस कलर को हम लोग चेंज करते हैं। ठीक है, तो मैं ये डीप ग्रीन जो है ये यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो है इसका कलर कुछ इस तरह दे देते हैं, और सेमी कॉलन, और फिर अब जाकर रिफ्रेश करके देखते हैं तो ये ठीक है। और अब हम लोग क्या करते हैं, फॉन्ट फैमिली को भी चेंज करते हैं। बॉडी पर जाके फॉन्ट फैमिली रोबोटो यूज़ करते हैं, और अगर ये नहीं मिला सिस्टम में तो सेंस सेरिफ यूज़ होगा बाय डिफ़ॉल्ट। और अब सेव करके रिफ्रेश करके देखते हैं तो ये हो गया चेंज। तो अब हम लोग बनाएंगे स्टिक नैप बार फ्रेंड्स। तो चलिए फिर बनाते हैं बिना किसी देरी के। डिवेलपमेंट के नीचे आते हैं, एक नैप टैग देते हैं जिसमें UL टैग देंगे, और इसके अंदर 4 LI आइटम्स लेते हैं। ठीक है, पहला सॉरी क्या हो रहा यार, इंटर करते हैं A टैग लेते हैं, और पहला जो लिंक देते हैं होम। ठीक है, सेकेंड जो है ए टैग लेते हैं जिसमें देते हैं अबाउट अस। ठीक है, थर्ड जो LI आइटम है इसके अंदर जो ए टैग देंगे इसमें देते हैं हम लोग कॉन्टेक्ट अस। कुछ भी दे सकते हैं आपको जो अच्छा लगे, मैं यहाँ पर सिर्फ स्टिक नैप बार को करके दिखाऊँ कैसे बनाना है। और फोर्थ जो देते हैं हम लोग पोर्टफोलियो। ठीक है, अब देखते हैं रिफ्रेश करके ये रहा, लेकिन ये स्टिक नैप बार बिल्कुल भी नहीं है। अभी हम लोग बनाएंगे इसको स्टिक नैप बार। अब यहाँ पर नैपर बनाने के लिए मैं बिल्कुल भी फ्लॉट नहीं यूज़ करने वाला, उसमें बहुत परेशानी होती है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर मैं फ्लेक्स बॉक्स कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाला हूँ। आप मेरे पिछली वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने फ्लेक्स बॉक्स के बारे में सारा कुछ बताया हुआ है। अब क्या करते हैं, स्टाइल शीट में जाते हैं, और अपना जो UL टैग है उसका लिस्ट स्टाइल टाइप नन सेट कर देते हैं, सॉरी यार हाँ नन सेट कर देते हैं, ताकि क्या होगा ये बुलेट्स जो है ब्लैक लगी हट गए। अब क्या करते हैं यहाँ पर UL में और देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स हो ना, हाँ तो ये फ्लेक्स बॉक्स कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई हो गया। अब क्या करते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर सेट करते हैं हम लोग, इस ग्रीन का एक लाइट वर्जन यहाँ पर यूज़ करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये रहा इसका लाइटेस्ट वर्जन, अब देखते हैं रिफ्रेश करके ये हो गया। अब क्या है कि UL थोड़ा सा मार्जिन रहता है टॉप और बॉटम पे, जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाइट स्पेस यहाँ पर आ रहा है, तो क्या करेंगे UL पे यहाँ पर मार्जिन 0 सेट कर देंगे और रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए वाइट स्पेस हट गया, और अब क्या करेंगे जो LI और A टैग है, ये जो A टैग है इसका कलर हम लोग वाइट सेट कर देंगे। तो मतलब LI के अंदर जो भी A टैग होगा उसका कलर वाइट यहाँ पर हम लोग सेट कर दे रहे हैं नैप बार में, तो ये हो गया। और ये अंडरलाइन हटाएंगे यहाँ पर, तो उसके लिए क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी, और इसका वैल्यू देंगे नन। तो ये भी हो गया।
अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो अब क्या करते हैं, थोड़ा सा पैडिंग देंगे टॉप और बॉटम में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको डिस्प्ले ब्लॉक सेट कर देते हैं ताकि पूरा वाइट ले सके। और आप पैडिंग सेट करेंगे टॉप और बॉटम 10 px और लेफ्ट एंड राइट 20 px, आप जितना चाहे दे सकते हैं। हाँ तो ये हो गया। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा कंटेंट ऐड करेंगे हम लोग बॉडी पे। और कंटेंट के लिए मैं यहाँ पर लॉरम इप्सम कंटेंट यूज़ करने वाला हूँ फ्रांड्स। तो क्या करते हैं, यहाँ पर पी टैग लेते हैं, मिनिमम 100 p-tag ले रहे हैं और इसमें लॉरम इप्सम 30 paragraph जो भी है इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश करके देखते हैं ताकि मैं आपको इफेक्ट दिखा सकूँ। ये ठीक है। तो अब जैसे हम लोग इसको मूव कर रहे हैं तो ये जो स्टिकी नैप बार है ये जो लॉक नहीं हो रहा है, जैसे आप देख रही है लॉक नहीं हो रहा है। तो हम लोग अगर इसको स्टिकी नैपर बनाना है तो क्या करना होगा, सिंपल सा कुछ नहीं करना है आपको। आपको याद होगा कि हम लोगों ने एक नैप टैग भी यूज़ किया होता जो कि कंटेनर था, जो होल्डर था पूरा नेविगेशन बार का। ये देखिए यहाँ पर हम लोगों ने नैप टैग यूज़ किया जिसके अंदर ये पूरा UL एलिमेंट है जो कि नेविगेशन बार के लिए है। तो नैप टैग को हम लोगों ने कंटेनर एज ए कंटेनर रखा था। तो क्या करेंगे, सिंपली हम लोग यहाँ पर नैप टैग मतलब सॉरी नैप सिलेक्टर लेंगे और इसका पोजिशन सेट करेंगे स्टिकी, जो कि एक मतलब नया वैल्यू आया CSS3 में। और क्या करेंगे, इसको टॉप 0 सेट कर देंगे क्योंकि हम लोग चाहते हैं जब स्टिकी हो तो ये टॉप मतलब टॉप पोजीशन पे रहे, 0 पे रहे। इसको सेव करते हैं और आप जाकर रिफ्रेश करके देखते हैं। चलिए ये देखिए, अब जैसे ही ये हेडर छोड़ रहा है तो ये ऑटोमेटिक लॉक हो जा रहा है। ये देखिए, अब आपको यहाँ पर जावास्क्रिप्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए लॉक हो जा रहा है ऑटोमेटिक।